हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्लास 12 के बाद में अगर हमको बीटेक करना है, मान लो किसी को भी बीटेक करना है, तो उसके लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे हो सकते हैं बिना जेई दिए। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं बीटेक के जो जेई मेंस देने के बाद ही मिल सकते हैं। बट आज की वीडियो में आपको मैं कॉलेजेस ऐसे बताने वाला हूँ जो मतलब जिसमें जेई मेंस का बिना जेई मेंस दिए ही आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, बस आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th में मतलब एग्रीगेट 60% आपके आने जरूरी है और 10+2 वाला क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, तो आपको बिना जेई दिए ही बीटेक करने का मौका मिल सकता है। कॉलेजेस में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आरवी कॉलेज ऑफ बीटेक, है ना, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बैंगलोर का कॉलेज है, बीटेक के लिए बहुत अच्छा कॉलेजेस है। ठीक है, इसमें सीधा आपको एक बार में एडमिशन मिल सकता है, इसमें जेई मेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले इसकी हम इसकी इस कॉलेज की फीस की हम बात कर लेते हैं, है ना। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक कहाँ का है? बैंगलोर का है। इसकी फीस की मैं बात करूँ तो 18 लाख फीस है टोटल। 18 लाख का मतलब एक साल की नहीं, टोटल टोटल 4 साल की मिला के होगी। ठीक है, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक साल की फीस पता चल जाएगी कितनी लगती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसका एडमिशन कैसे हो सकता है। एक तरीका तो ये, इसके इसके भी अलग अलग, ये जो कॉलेज है इसके भी अलग अलग टाइप के एग्जाम होते रहते हैं। ठीक है, स्टेट के लेवल के सबके अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे CUCT का अलग होता है, DU JET का अलग होता है, IPMAT का अलग होता है, WBJEE का अलग होता है, COMET का अलग होता है। सब स्टेट के अपने अलग अलग एग्जाम्स होते रहते हैं। ठीक है, कॉलेज के लिए, है ना, बीटेक कॉलेज के लिए। तो एडमिशन की बात करें तो एक एग्जाम होता है KCET। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर बताऊँ तो कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट KCET होता है, जैसे CUCET होता है वैसे KCET होता है। और दूसरा होता है कॉमेट के का एग्जाम होता है। ठीक है, और तीसरा होता है मेरिट बेस पे। मेरिट बेस का मतलब जो आपके 12th के जो मार्क्स है उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है कट ऑफ बेस पे कि भाई किसका कट ऑफ कितना है, जनरल का कितना है, ST SC OBC का कितना है, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। कौन सा कॉलेज मिलता है? इस टाइप का कॉलेज, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे फेमस कॉलेज है बीटेक के लिए। और इसके अगर मैं आपको पैकेज वगैरह बताऊं तो 24 लाख पर एनम, यानी कि एक साल 24 लाख तक जाता है इसका। मतलब किसी कोई भी आदमी, मतलब कोई भी पर्सन है जिसका प्लेसमेंट लगा तो उसको एक साल का 24 लाख टोटल मिलेगा। ठीक है, उसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक महीने का पता चल जाएगा कितना रहता है। तो ये मैंने आपको एक कॉलेज के बारे में बताया जिसका नाम था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और ये कहाँ का कॉलेज है? बैंगलोर का कॉलेज है। सिंपली इस तरीके से तीन एडमिशन हो सकते हैं, तीन क्राइटेरिया, तो KCET, दूसरा कॉमेट के, तीसरा होता है मेरिट बेस पे। अब हम बढ़ेंगे सेकंड कॉलेज की तरफ, वो है VIT वेल्लोर। VIT के बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग शहरों में। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया तो आप ये एग्जाम दे सकते हो और इस कॉलेज में आप एंटर कर सकते हो। तो इसकी फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस है इसकी 6,92,000 टोटल 4 साल की है। ठीक है, एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन दो तरीके से होता है VIT में। ठीक है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, VIT EEE का एग्जाम होता है, VIT EEE का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली एडमिशन होता है दो तरीके से, एक है मेरिट बेस्ड, कॉलेज की मेरिट लिस्ट बनती है, मतलब कट ऑफ आते हैं कि भाई इस कॉल मतलब इस क्राइटेरिया को आपको पार करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट का इस कैटेगरी का इतना कट ऑफ है, इसका जनरल का इतना है, ST SC का इतना है, उस हिसाब से आपको मेरिट बेस का कट ऑफ मतलब मेरिट बेस की लिस्ट बनती है, उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरिट बेस का मतलब है जो भी आपके 12th के मार्क्स है उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होता है VIT EEE एंट्रेंस का एग्जाम होता है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो इसको आपको क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये VIT वेल्लोर का कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं अगर मान लो कि इसकी प्लेसमेंट की और पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज आता है 7.25 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये VIT वेल्लोर का कॉलेज था। ठीक है, तो ये दो कॉलेज को मैंने आपको टच कर दिया, इसमें जेई मेन का तो कोई दूर दूर तक रोल नहीं है, मेरिट बेस पे मिलते हैं कॉलेजेस और इनके जो स्टेट के जो एग्जाम है वो बस आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जेई मेन का स्कोर खराब आता है तो ये एग्जाम आपको देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉलेज की तरफ, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे फेमस कॉलेज है ये बैंगलोर का। ठीक है, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग इसमें चले आते हैं कॉलेज में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, MSRIT इसका नाम है। ठीक है, MSRIT। ठीक है, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसका एडमिशन की अगर बात करूँ तो इसका एडमिशन सिर्फ 12th बेस पे हो जाता है, मतलब इसमें कोई एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको 12th बेस 10+2 का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है और आपको 60% से ऊपर बस प्लस आने चाहिए, बस आपको इसमें एडमिशन पक्का समझो। ठीक है, उसकी फीस की अगर बात करें तो 2 लाख फीस रहती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी पैकेजेस की तो एवरेज पैकेज आता है 7.6 लाख और हाइएस्ट की अगर हम बात करें तो 50 लाख पर एनम तक जाता है। ठीक है, तो रमैया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी अपने आप अच्छा कॉलेज है। अगर आपको जेई मेंस में कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, मान लो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो ये एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये तीन कॉलेज टच कर दिया और भी हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जो अच्छे कॉलेज है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मुंबई की अगर बात करूँ, मुंबई के लिए अगर आपको बीटेक कॉलेज में एडमिशन चाहिए है और जेई मेंस आपको नहीं देना है, तो उसके लिए एक एग्जाम आपको देना चाहिए, वो होता है MST CET। मुंबई के जो बीटेक के कॉलेजेस हैं या पुणे के, तो ये आपको मिल सकते हैं MST CET के एग्जाम देने से। एग्जाम MST CET का एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी इसको आप अटेम्प्ट दे सकते हो, तो इसके मतलब जो कट ऑफ आए उसके बाद फिर आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, या फिर जेई मेंस भी आप दे सकते हो, जेई मेंस आप दोगे उसके बाद भी आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो पहला कॉलेज है ICT मुंबई।
ठीक है। ICT मुंबई भी बहुत अच्छा कॉलेज है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे VJTI मुंबई, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे मैं तीन चीज मुझे डायरेक्ट तीन कॉलेज रख रहा हूँ, SPIT मुंबई, ठीक है। इसका जो प्लेसमेंट है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो एजुकेशन है वहाँ का अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। यानी कि इसका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है और पढ़ाई भी अच्छी है, बाकी सब कुछ अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो MST CET का आपको एटलीस्ट एग्जाम देना पड़ेगा 12th के बाद में, ठीक है। अभी इसकी डेट बची हुई है, 2nd week of June तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो एग्जाम, और जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जाना है मुंबई के कुछ अगर कॉलेजेस में, तो आपको MST CET का एग्जाम देना चाहिए, या पुणे में अगर आपको जाना है तो MST CET का आपको एग्जाम देना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर में एक है SVV कॉलेज है, ठीक है, श्री विश्वनाथ विद्यापीठ करके कॉलेज है SVV। इसमें आपका मतलब इसमें कोई जेई मेंस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 12th बेस पे आपको रिजल्ट, मतलब 12th बेस में इसमें सीधा आपका एडमिशन हो सकता है। दूसरा होता है NMIMS का भी एक मतलब एक एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो भी आपको देने चाहिए। NET शायद बोलते हैं उस एग्जाम का नाम है, NMET, ठीक है। तो NMIS करके भी एक कॉलेज होता है, तो इसमें भी जेई मेंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद हम आगे लास्ट कॉलेज की बात करते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी एक कॉलेज एक नाम से, ठीक है, AKTU। तो इस कॉलेज में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, तो जेई मेंस का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनको बीटेक करना है कॉलेजेस में, बट बिना जेई दिया ना, मतलब जिनने जेई दिया ही नहीं है उनको बीटेक करना, तो उनके लिए ये कॉलेजेस हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं जो इस वीडियो में अभी रखा नहीं हूँ, क्योंकि ये रखता तो टाइम बहुत लग जाता, बट मैं सोचा शॉर्ट में जो अच्छे कॉलेजेस हैं स्टार्टिंग के 10 वो मैंने आपको बता दिए, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि जेई में काउंसलिंग कैसे होती है, टोटल 6 राउंड होते हैं, ठीक है। उस 6 राउंड में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ब्रांच का ध्यान रखना है और आपको सीट का ध्यान रखना है। कोई भी कॉलेज में आप मान लो आपका जेई मेंस आपने दे दिया, उसके बाद आप क्लियर कर लियो, तो उसके बाद अब आपको कौन से कॉलेज में, गवर्नमेंट में जाना चाहिए, प्राइवेट में जाना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करते हैं, ब्रांच और सीट कॉलेज कैसे चूज करना है, आगे सब वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ बिना जेई, जिसको बिना जेई दिया ही नहीं है जिसने, उसके लिए वीडियो था, ठीक है। तो ये कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, लोग जाते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी तरह आज का वीडियो खत्म करते हैं, जो सारी चीजें थी मैंने लगभग ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में बता दिया। तो अब इसके बाद जो वीडियो आएंगे जो जेई पे बेस्ड होंगे, ठीक है, तो वो सारे वीडियो में बता दूंगा आपको एक एक करके काउंसलिंग से रिलेटेड। और बाकी जेई मेंस की बात करूं तो अगस्त में शायद होगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो पे लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस टाइप के आपको कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, करियर से रिलेटेड मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।